उत्तराखंड में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों की जुबान पर इन दिनों वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का ही नाम सुनाई दे रहा है। ऐसा वित्त विभाग के उन दो आदेशों के कारण हो रहा है जिसने संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों के लिए हित प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जारी हुआ आदेश में पुराने जियो का हवाला देते हुए रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति न पाए जाने वाले संविदा, आउटसोर्स या दैनिक वेतन भोगियों को मानदेय की जगह मजदूरी मद से भुगतान करने की बात कही गई थी। उत्तराखंड शासन के इस आदेश के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और उनके मासिक रूप से वेतन पर संकट खड़ा हो गया है। इसका नतीजा ये रहा कि वन विभाग में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान शासन के अधिकारियों के साथ ही सरकार के खिलाफ भी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा, लेकिन अब एक और नए आदेश ने कर्मचारियों की नाराजगी को आक्रोश में बदल दिया है। हाल ही में हुए आदेश में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा इन कर्मियों के समान काम के समान वेतन का भी अधिकार नहीं होने की बात इसमें लिखी गई है। आदेश के सार्वजनिक होते ही कर्मचारियों में खूब आक्रोश पनपता हुआ दिखाई दिया। खास बात यह है कि ऊर्जा निगम में भी पिछले दिनों उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश होने के 24 घंटे में ही वित्त विभाग के दबाव के बाद आदेश को निरस्त करना पड़ा। उस दौरान सचिव ऊर्जा के मामले में बैकफुट पर आने के बाद कही गई थी, लेकिन चर्चा ये भी है कि इस मामले को शासन की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया गया है ताकि एक बार फिर ऊर्जा निगम के उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिलाया जा सके। लेकिन कर्मचारियों के लिए ऐसी खुशखबरी आने से पहले ही इस नए आदेश ने महंगाई भत्ते को लेकर सभी संभावनाएं खत्म कर दी हैं। जिस तरह का ये आदेश हुआ है, पूरे प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, नियत वेतन, जितने भी संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत भारी आक्रोश है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के सरकार और शासन के द्वारा कर्मचारियों को आंदोलन की ओर धकेला जा रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। ये जानबूझ के ये आदेश पारित किया गया है क्योंकि जो ये ऊर्जा निगमों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक बोर्ड से पास होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो निगमों में बोर्ड बहुत पावरफुल होती है और बोर्ड में ये आदेश गया था और बोर्ड में पास होने के बाद शासन ने इस पर आदेश करा था, लेकिन उसको न जाने किस दबाव में आपसी कोई शासन में कोई प्रतिद्वंद्विता हो सकती है जिसके वजह से ये आदेश निरस्त किया गया था और उसी के ही परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि ये आदेश भी जानबूझ के किया गया है। आदेश जारी होने के बाद अब कर्मचारियों के हितों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। साथ ही इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी संज्ञान लिए जाने की बात कही जा रही है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिस्ट ने कहा कि अधिकारी बिना जानकारी के इस तरह के आदेश कर रहे हैं। अधिकारियों को आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण कर्मचारियों पर ऐसे आदेश थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्रम कानून के खिलाफ है और महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों का हक है। आप कैसे बंद कर सकते हैं? अगर संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में TA DA रेगुलर कर्मचारी के बराबर मिलता है, सर महंगाई सबके लिए बराबर होती है, ये मूल सिद्धांत है कर्मचारियों के, श्रमिकों के लिए। लेकिन पहला टाइम देखा कि इस सुविधा को बंद करो संविदा के तदर्थ कर्मचारी की। हाई कोर्ट दूसरी तरफ कह रहा कि जिस तरह संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी का समान वेतन दीजिए। अगर रेगुलर नहीं कर रहे तो वेतन समान दो। ये हाई कोर्ट हमारे उच्च न्यायालय ने निकलवा दे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, सरकार उसको रद्द कर रहे हो। तो ये बहुत चिंता का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अधिकारी पढ़ नहीं रहे। अगर अधिकारियों का इस तरह से करते उनके साथ में कि आप चीफ सेक्रेटरी, मैंने आपका TDA बंद कर दिया, सब क्या जवाब देंगे उसको? ये तो गलत बात है, उसको कैटेगराइज मत करो। महंगाई TDA सबके लिए बराबर, मूल वेतन में अंतर हो सकता है बात, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अविवेकपूर्ण निर्णय मैं कहूँगा सर। ये तो आग लगाने वाला प्रदेश में क्या मैसेज देना चाहिए सरकार कि हमने बड़े उपलब्धियाँ आप तो कर्मचारियों के अहित कर रहे हैं, उनके जो सुविधाएं मिल रही थी उनको सुविधा को आप कट कर रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के हित में हर स्तर पर काम करने को तैयार है और अगर ऐसा कोई निर्णय हुआ है तो उस पर भी सरकार कर्मचारियों के हित का पूरी तरह से संरक्षण करेगी। सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनके हितों के लिए हमेशा सदैव आगे रही है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या किसी कर्मचारी वर्ग में आ रही है तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा और जो बेहतर रास्ता होगा उसके लिए काम किया जाएगा। तो वैसे में कहा जा सकता है कि एक के बाद एक सरकार पर तमाम मामलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सरकार इस पर जवाब किस तरह से देखती है, इस बात का इंतजार है।